हमारे YouTube चैनल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि CGL, CHSL, RRB या फिर UPSC या फिर कोई अनदर कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों, आपके पास टोटल 5 सेकेंड है, इन 5 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। अगर टाइमिंग आपको कम लगती है तो वीडियो को पॉज करके आप सोच समझ कर भी जवाब दे सकते हो। तो सही जवाब है रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। ये तीन हार्मोन्स ऐसे हैं जो मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? दोस्तों, सही जवाब है ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका हमेशा ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? दोस्तों, सही जवाब है सेरिब्रम। सेरिब्रम में मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, सही जवाब है थियोफ्रेस्ट्स। थियोफ्रेस्ट्स को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सही जवाब है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। अगला प्रश्न, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो दोस्तों, सही जवाब विटामिन ए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। अगला प्रश्न, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, सही जवाब ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, सही जवाब भूमि का। भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है?
तो दोस्तों सही जवाब, झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही जवाब, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र को किस यूनिट में नापते हैं? तो दोस्तों सही जवाब, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन के यूनिट में नापा जाता है। अगला प्रश्न, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सही जवाब, आनुवंशिकता के जन्मदाता मेंडल को बोला जाता है, ठीक है, या फिर आनुवंशिकता के जन्मदाता के रूप में मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, ड्रॉसेरा किस प्रजाति का पौधा है? तो दोस्तों सही जवाब, ड्रॉसेरा एक कीट बच्ची प्रजाति टाइप का पौधा है। अगला प्रश्न, अल्टमैन द्वारा किसकी खोज की गई थी? दोस्तों सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर से कौन सी धारा को उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब, डीसी से एसी। अल्टरनेटर से डीसी से एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, टाइलिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब, मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्लास खत्म। ये रहे हैं आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। बाकी मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।